हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद अभी शुरू हो गया है मेरा क्लीनिंग रूटीन, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी लंच रेसिपी। और जब भी मैं अपना बेडरूम क्लीन करने का कोई भी क्लिप डालती हूँ तो मुझे ढेरों कमेंट आते हैं अबाउट माय पिलोज़, कि दी आपके पिलोज़ कुछ अलग दिखते हैं, ये क्या अलग हैं, कुछ स्पेशल हैं। तो मैं आपको, आप में से बहुत लोग जानते भी हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा रखती ही हूँ। ये ऑर्थोपीडिक नेक सपोर्ट पिलोज़ हैं और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा नेक का इशू है, इस करके हम लोगों ने ये वाले पिलोज़ में इन्वेस्ट किया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत वक्त से, चूँकि मेरे पास नेक सपोर्ट पिलोज़ तो थे ही, मैं बहुत वक्त से ढूंढ रही थी एक ऐसा मैट्रेस भी जो बैक सपोर्ट प्रोवाइड कराता हो। ऑर्थो मैट्रेस बोला जाता है, ये स्पेशली फॉर्मुलेटेड है बैक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। मैं खुद भी बहुत वक्त से एक ऐसा मैट्रेस ढूंढ रही थी जो स्टिफ हो, इतना स्टिफ और स्ट्रांग हो कि वो अच्छा बैक सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। पर मेरे पास जो पहले यहाँ जो मैट्रेस था वो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, उसकी क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, बट वो एक काफ़ी सॉफ्ट मैट्रेस था, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं धीरे धीरे ना, फिर जो स्लीप क्वालिटी होती है वो सॉफ्ट मैट्रेस पे उतनी अच्छी नहीं आती है। तो इस वजह से बहुत वक्त से मेरे एजेंडा में था कि मैं एक ऑर्थोपीडिक ही मैट्रेस लेना चाहती हूँ। तो ये लोगों ने मुझे जब अप्रोच किया, मैंने इनका वेबसाइट देखा और फिर ये मैट्रेस उनके पास था। और सिर्फ मैट्रेस के लिए नहीं, मैंने रिव्यूज़ देखे, मैंने इसके बारे में पढ़ा, उन लोगों का टेक्नोलॉजी जो है, जैसे रिव्यूज़ हैं, बायर्स का सेटिस्फैक्शन है, इसके बाद मैंने उन्हें हाँ कहा। और ये मेरे पास बहुत दिन से आके रखा है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और अपने आप में खुद सेटिस्फाई होने के बाद ही आप लोगों के सामने ये प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। ऐसे भी जब मैं पिलोज़ वगैरह दिखाती हूँ तो भी आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए कि ये कौन से पिलोज़ हैं, जिनको बैक का इश्यूज़ है, जो एक अच्छा ऑर्थो मैट्रेस ढूंढ रहे हैं, स्पेशली उनके लिए मैं बताना चाहूँगी ये एक काफ़ी अच्छा मैट्रेस है। सच में मैं इसे कब से यूज़ कर रही हूँ और मुझे इससे अभी तक कोई इशू नहीं आया है। ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, इस वजह से ये लोग बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, कोई भी मिडिल मैन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स नहीं है, इस वजह से आपको मोर देन 50% का डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा उनकी वेबसाइट पे। साथ ही साथ इतने कॉन्फिडेंट है फ्लो मैट्रेस अपनी टेक्नोलॉजी पे कि ये लोग आपको 100 नाइट का चैलेंज देते हैं। देखिए, जब भी आप कोई नया मैट्रेस खरीदते हो तो उससे आपकी बॉडी को यू नो कंफर्टेबल होने में कुछ 3 से 4 हफ्तों का वक्त लगता है कि बॉडी थोड़ा अडेप्ट कर पाए मैट्रेस के अकॉर्डिंग खुद को। तो 3 से 4 हफ्ते इज जस्ट लाइक अ मंथ जैसा, लेकिन फ्लो मैट्रेस गिव्स यू 100 नाइट गारंटी। अगर आपको 100 नाइट में भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो यू कैन रिटर्न इट बैक। ऑल्सो ये अपने गद्दों पर 10 साल की वारंटी देते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक जिपर दिया हुआ है, जिपर यानी कि ये आप इस जिप से मैट्रेस को सेपरेट कर सकते हो। और ये एक कवर है, ये इजीली वॉशेबल है, आप जब भी चाहें तो इसको निकाल के वॉश कर सकते हैं। और इसकी फील बहुत कंफर्टेबल है, मैं इसको बहुत रातों से यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक और मैट्रेस है जो मेरे पुराने मैट्रेस से, मतलब दूसरे रूम में जो मैट्रेस है वो काफ़ी स्टिफ मैट्रेस है। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस से ये बात बताना चाहती हूँ कि मैट्रेस जितना ज़्यादा, मतलब लाइक एक्सट्रीम तो किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा सॉफ्टर नहीं, थोड़ा स्टिफर होना चाहिए, थोड़ा सख्त होगा तो उतना ही अच्छा वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट देता है। और जैसा कि मैंने बताया, मैं बात कर रही हूँ फ्लो मैट्रेसेस की, और इनका वेबसाइट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ चेक कीजिएगा। ये काफ़ी अच्छा मैट्रेस है, तभी इसके साथ आती है मनी बैक गारंटी। इतनी आसानी से कोई अपने प्रोडक्ट पे मनी बैक गारंटी तो नहीं देता है ना। साथ ही साथ ये लोग ट्रायल पीरियड भी दे रहे हैं। तो जिन लोगों को भी सुबह उठ के फ्रेश फील नहीं होता है वो इस मैट्रेस को एक चांस दे सकते हैं।
और फ्लो मैट्रेस जैसे मैंने बताया दो वेरिएंट में आते हैं, एक एर्गो यानी सॉफ्टर और एक ऑर्थो जो मैंने मंगाया है थोड़ा सा स्टिफ। और इसको आप आपके चॉइस के डायमेंशंस में ऑर्डर कर सकते हो। आपका बेड चाहे किसी भी डायमेंशन का हो, आपको सिर्फ उसे मेजर करना है और आपको फॉर श्योर यहाँ पे मिल ही जाएगा उसके मेजरमेंट्स। नहीं भी मिलते हैं तो आप कस्टम मैट्रेस के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और ये आप देखिए स्क्रीन पर कितने सारे फाइव स्टार रिव्यूज़ हैं, हैप्पी कस्टमर्स हैं। और ये मैट्रेसेस जैसे कि आप देख सकते हो टेम्परेचर सेंसिटिव मेमोरी फोम के साथ आता है, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको जिप के बारे में बताया, और एक बहुत अच्छी खूबी ये है कि इसमें बिल्कुल ज़ीरो पार्टनर डिस्टरबेंस है। एज इन आपका पार्टनर अगर करवट लेता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी कि आपकी स्लीप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। और अगर आपको सॉफ्टवेयर मैट्रेस पसंद है आप जा सकते हैं एर्गो वेरियंट के लिए। मैंने ख़रीदा है ऑर्थो वेरियंट क्योंकि मुझे ऑर्थो ही चाहिए था। और ये मैट्रेसेस इतने अच्छे से कस्टम डिज़ाइन किए गए हैं कि आपका दीवान हो, सिंगल बेड हो, डबल बेड हो, हर एक के लिए आपको कोई ना कोई मेजरमेंट मिल ही जाएगा। और एक बहुत ही अच्छी बात जो मुझे इस मैट्रेस के बारे में लगी, जिससे आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड, कि वो इस तरह के एक छोटे से बॉक्स में पैक होकर आता है। जो मैंने पहले जो मैट्रेस ख़रीदा था अमेज़ॉन से, वो पूरा का पूरा एज इट इज़ पैक होकर आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पेस उसने लिया। पर ये इतने छोटे से कार्टन में आता है, वैक्यूम सील्ड होता है, तो इसको निकालना जैसे द मोमेंट आप इसको खोलेंगे ये अपना जो शेप है वो ले लेता है। बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच है ये इतने छोटे कार्टन में भेजना, तो आप उसको खोल सकते हैं आसानी से, कैरेज कितना इजी हो जाता है। एंड आई एम सीरियसली हैप्पी कस्टमर, बहुत अच्छा मेरे हिसाब से परफेक्टली स्टिफ एंड सॉफ्ट ये मैट्रेस है। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ लंच, और आज लंच में मैं बना रही हूँ पालक पनीर, और रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई में जो है पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है, पानी को उबाल आ जाएगा इसके बाद पहले से साफ़ की हुई धुली हुई पालक इसमें हम लंच करने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास नरम पत्तों वाली पालक है तो खाली 30 सेकेंड्स इनफ होगा, पर मेरे आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्ते हैं, इसकी स्टेम कड़क थी तो मैंने हटा दी थी। आपकी स्टेम अगर सॉफ्ट है तो आप उसे रखिएगा। तो मैं इसे इसमें एक बॉयल आने तक रखने वाली हूँ। तो एक बार बॉईल आ जाएगा उसके बाद फिर मैं इसे गर्म पानी में से निकाल लूँगी और टैप वाटर में वॉश कर लूँगी। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है जिससे जो आर्टिफिशियल ग्रीन कलर है और पेस्टिसाइड्स हैं उनसे छुटकारा मिल सके। तो अभी पालक तैयार कर लेने के बाद मैं फाइनली तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा तेल, आप बटर या देसी घी भी ले सकते हो, और इसमें मैंने ऐड किया है जीरा। जीरा स्प्लैटर होने के बाद मैंने एक बड़े साइज़ का जो प्याज है उसको थोड़ा सा फाइनली चॉप कर लिया था, और अब इसको मैंने ऐड किया है कढ़ाई में और इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी। थोड़ा मिडवे कुक होगा यानी कि ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। इसके इमीडिएटली बाद में इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली तीनों का ये मैंने पेस्ट बना लिया था, तो ये मैंने ऐड किया है। और प्याज थोड़े से लाल हो जाने का मैंने वेट करना है यहाँ पे। ये देखिए मसाला थोड़ा सा भुन गया है, अच्छे से लाल लाल होने लगा है। तो अब इसमें मैं सूखे मसाले यहाँ ऐड करूँगी। तो डाल रही हूँ मैं कोरिएंडर पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर और साथ ही साथ हल्दी का पाउडर। मैंने अभी टमाटर नहीं डाले हैं, सूखा मसाला पहले डाल के मैं भून लूँगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर आपको भूनना है तब तक जब तक आपको यह मसाला थोड़ा सा सॉफ्ट ना लगने लगे। तो मैं एक बार फिर से इसमें पानी डालूंगी क्योंकि ये वो पानी जल्दी से इवेपोरेट हो गया, मुझे मसाला थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। ये देखिए प्याज थोड़े थोड़े सॉफ्ट लग रहे हैं और तेल छूटने लगा है, तो बस और मैं पानी नहीं डालूंगी इसमें। ऐड कर रही हूँ मैं ये दो टमाटर की प्योरी, मीडियम साइज़ के टमाटर थे ये। कुछ लोग जो है पालक पनीर दही के साथ बनाते हैं, पर मैं थोड़ा साग स्टाइल में बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही, और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। प्योरी डाल के इसे कुक होने के लिए मैंने छोड़ा था, और देखिए तेल निकलने लगा है यानी कि अभी ये मसाला भी अच्छे से पक गया है।
और आप आंखों से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। बस थोड़ा टमाटर प्याज अच्छे से गलने चाहिए, ऐसा मसाला हमको भूनना है। और ये है वो पालक की प्योरी, मैंने पीस लिया था पालक के पत्तों को, कुछ नहीं डाला है मैंने इसमें, सिर्फ ये पत्ते ही मैंने पीसे हैं। और इसे अब मसाले में मिला के थोड़ी देर मैंने इसे भूनना है। थोड़ी देर भूना, देखा आप, देखिए इसमें बबल आ रहे हैं, उबल गया है, तो बस अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करूँगी। पालक को मसाले में डाल के पहले भूनिए थोड़ा सा, जब वो एक उबाल ले ले उसके बाद ही और चीज़ें ऐड करिए, जैसे कि पानी, नमक वगैरह। तो यहाँ मैंने ये ऐड किया है थोड़ा सा गेहूं का आटा। आप अगर गेहूं का आटा नहीं डालना चाहते तो फिर आप पालक पनीर जब फिनिश करने वाले हों, मतलब कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तब आप इसमें मलाई ऐड कर सकते हो। मैं मलाई नहीं डालती हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा डाला है, इससे पालक जो पानी छोड़ता है वो वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, और थोड़े से जो पालक की पंजीनेस है वो भी बैलेंस होती है। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ नमक। पालक की किसी भी सब्ज़ी में, नॉट ओनली पालक पनीर, किसी भी सब्ज़ी में नमक बहुत एहतियात से डालिए। ये ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे कटे हुए पनीर, और पालक में नेचुरली काफ़ी नमक होता है, इसलिए उसमें नमक ज़्यादा हो जाने के चांसेस बहुत होते हैं, तो बहुत ध्यान से उसमें नमक डालना होता है। आप पनीर को चाहें तो फ्राई कर सकते हो, पर मुझे बहुत क्रीमी होता है पालक, इसलिए उसमें क्रीमी पनीर ही अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल फ्राई नहीं करती हूँ पालक पनीर में पनीर। तो एक बॉईल आ गया है ये देखिए, और कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है, और कलर आप देख सकते हो, इट्स ग्रीन, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और आप इस रेसिपी से ट्राई करोगे तो आपको टेस्टी भी बहुत लगने वाला है। तो पालक पनीर ऑलमोस्ट रेडी है, एकदम लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। और अभी से बहुत ज़्यादा मैं कुक नहीं करूँगी, एकदम स्लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के रख दिया है, क्योंकि मैं साइड में अभी इसका तड़का तैयार करूँगी। तो मैंने एक पैन में ले लिया है देसी घी, और मैं लगाती हूँ बर्न्ट गार्लिक का तड़का। तो मैंने थोड़े से गार्लिक क्लोव्स ले लिए हैं पूरे के पूरे, अगर आपके गार्लिक मोटे मोटे हैं तो आप थोड़ा सा चॉप कर लीजिए। कुछ लोग यहाँ लाल मिर्ची और हींग और जीरा वगैरह का तड़का लगाते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, आप जैसा भी तड़का पसंद करते हो। मैं बर्न्ट गार्लिक का लगाती हूँ, और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये वेरिएशन। तो गार्लिक डाल दिया है मैंने, और इसे लिटरली बर्न करने तक पकाना है, लाल लाल नहीं, थोड़ा सा काला हो जाना चाहिए, तब तक इसको घी में भूनिए। आप देखिए धुआं निकलने लगा है और काफ़ी डार्क कलर इसने ले लिया है, बस और ज़्यादा मैं इसे कुक नहीं करूँगी, सीधे कढ़ाई में डाल के ढक्कन लगा दूँगी। और गैस थी स्लो पालक पनीर की, तो अब मैं गैस भी बंद कर दिया है। तो स्पेशल से पालक पनीर के साथ स्पेशल सी रोटियां मैं बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को पराठे अच्छे लगते हैं, पर मैंने पराठा नहीं बनाया क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा, तो मैं चपाती बना रही हूँ, और इसको नान स्टाइल में मैं बनाऊँगी। तो ये सादा रोटी वाला ही आटा है, और इसको एकदम पतली चपाती जैसा बेल लेना है। और आप देख सकते हैं मैंने लोहे का तवा ले लिया है, नॉन स्टिक पे ये चिपकेगा नहीं, मुझे रोटी बेसिकली चिपकानी है क्योंकि नान स्टाइल में मैं इसे बना रही हूँ। तो रोटी के एक साइड पे मैंने पानी लगाया है, और जिस साइड पानी लगाया है वही मैंने तवे के ऊपर चिपका दिया है, और गैस को फुल फ्लेम पर रखना है जब तक कि आपकी रोटी ऊपर से बबल्स लेने लगे, आपको लगने लगे कि ये कच्ची नहीं है, तब तक उसे पकाइए। और आप देख सकते हैं ऊपर से इसने अच्छे बबल्स ले लिए हैं, और इसका कलर भी बदल गया है, सफ़ेद सफ़ेद नहीं है अभी ये रोटी, बस इस स्टेज का वेट करना है आपको। और अभी मैं ये तवा उल्टा करके इसको सेक लूँगी डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर। और थोड़ा सा घुमा घुमा के आपको इसे सेकना है, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। और मेरा ये लोहे का तवा बहुत हैवी है, तो बीच बीच में हाथ दर्द होने लगते हैं, दोनों हाथों से पकड़ कर सेक रही हूँ मैं इसे। और ये देखिए परफेक्टली सिक गई है, अब बस इसे फाइनली मैं लगा दूंगी घी, आप चाहे तो बटर लगा सकते हो। और बहुत अच्छी लगती है रोटी, एकदम क्रंची, एकदम तंदूरी रोटी जैसा, पर इफेक्ट वही है, प्रोसीजर थोड़ा सा इजी है, आप सेम गेहूं के आटे से बना सकते हो।
और सिंपल से खाने को भी एकदम स्पेशल बना देता है, अगर आपका ब्रेड स्पेशल हो तो। ये देखिए किस तरह से मैंने रोटी के पानी वाली साइड से उसे तवे पे चिपकाया है, और आप देख सकते हैं रोटी रंग बदल रही है, और जैसे ही इसका वो कच्चापन वाला रंग चला जाएगा, ये सब तरफ से एक अलग सा डार्कर कलर ले लेगी, बबल्स आने लगेंगे, तो ये करेक्ट स्टेज है कि हम इसे पलट कर फिर फ्लेम पर सेक लेंगे। और पालक पनीर के साथ किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ अपने आप में बहुत कंप्लीट और टेस्टी मील है। तो लंच में मैंने रखा है ये तंदूरी स्टाइल रोटी, पालक पनीर और थोड़ा सा सलाद। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे एक लाइक दे सकते हो, रेसिपी पसंद आई है तो ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए आप अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।